जी अस्सलाम वालेकुम ड्यूटी फैमिली, टीम अपना घर लौट पीके के साथ असद अली इज बैक अगेन एंड आई होप यू पीपल आर इन्जॉइंग द स्टार्टिंग ऑफ द विंटर इन योर कोजी ब्लैंकेट्स एंड काउचेस। तो आज का जो घर हमारे पास मौजूद है, इट इज़ 10 मरला डबल स्टोरी डिज़ाइनर हाउस लोकेटेड एट DHA फेज 2 इस्लामाबाद। And like always, we will have an honest review of this house, जिसमें मैं आपको इस घर के इंटीरियर के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से एंड वैल्यू फॉर द मनी के प्रस्पेक्टिव से इस घर के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इस घर के फ्रंट फेसिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। और जब फर्स्ट इंप्रेशन में आप इस घर का फ्रंट फेसिंग देखते हैं तो इट लुक्स रिडिकुलसली ऑसम। And personally, I want to compliment the architect of this house. He has done a marvelous job. और इस घर के फ्रंट फेसिंग पे जब आप नज़र डालते हैं तो फेयर फेस टाइल्स यहाँ पे इस्तेमाल की गई हैं थ्रू आउट द एलिवेशन। और इसके साथ साथ आयरन रैक के अंदर यहाँ पे स्टोन्स रखे गए हैं जो कि मेन वॉल को काफ़ी यूनिक बना रहे हैं। इस तरह की वॉल आई डोंट थिंक आपने इससे पहले देखी होगी। इसके अलावा जो विंडोज़ की पोजिशनिंग है और जो डिज़ाइनिंग है वो भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है। और इसके साथ साथ ये आपके पास ग्रीन एरिया सामने मौजूद है। राइट साइड पे आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा लैंड मौजूद है जो कि आप DHA अथॉरिटी से परचेज़ कर सकते हैं अगर आप ये घर ख़रीदते हैं उसके बाद। सो, हमेशा की तरह मैं बात करूँगा इस घर की मेन हाइलाइट्स की। इस घर की मेन हाइलाइट्स में इस घर का एक्सटीरियर डिज़ाइन आता है जो कि फ्रंट फेसिंग आप लोग देख रहे हैं काफ़ी एग्रेसिव लुक प्रोवाइड कर रहा है। और इसके साथ साथ अगर इस घर की एकोमोडेशन की भी मैं बात करूँ तो इस घर में आपको 3 बेडरूम्स मिलेंगे ऑन द ग्राउंड पोर्शन एंड 3 बेडरूम्स मिलेंगे ऑन द अपर पोर्शन। और इंटीरियर इस घर का अगर आप बात करें तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है जो कि मैं आगे चल के अभी आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा। सो, आज की इस वीडियो पे आई नीड 5000 लाइक्स। और इसके साथ साथ जो फर्स्ट टाइम हमारे व्यूअर्स चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें। अभी आप देख रहे हैं अगेन इस घर का फ्रंट फेसिंग क्लोज़अप लेके बार बार इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप लोगों को सही तरीके से आइडिया हो जाए, या कोई आदमी अपना खुद घर बनवाना चाह रहा है और इस डिज़ाइन को रेप्लिकेट करना चाह रहा है तो वो भी ये चीज़ देख के अपने घर में ये चीज़ रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्योंकि इनोवेशन इज़ ऑलवेज की टू सक्सेस, दिस इज़ व्हाट आई परसीव। तो अभी यहाँ से हम चलते हैं टूवर्ड्स द हाउस और अंदर चल के इस घर का लेआउट प्लान वगैरह भी देखते हैं। 50 फीट वाइड स्ट्रीट हमारे सामने मौजूद है इस घर के, और वॉकिंग फुटपाथ भी यहाँ पे मौजूद है। और अगेन जैसे ही हम एंटर होते हैं तो हमारे पास फेयर फेस टाइल्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं जो कि थ्रू आउट द हाउस कंसिस्टेंटली इस्तेमाल हुई हैं। अगर मैं कार पोर्च पे नज़र डालूँ तो जिस हिसाब का ये घर है, आई फील के जो फैमिली इस घर को परचेज करेगी दे वुड हैव एटलीस्ट 2 कार्स, और उनमें से एक SUV भी हो सकती है, एक सेडान भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपकी एक बड़ी SUV ही पार्क हो सकती है। आई डोंट थिंक के उसके साथ सेडान का आपके लिए जगह बचेगी। तो लेआउट प्लान में अगर थोड़ा सा कार पोर्च की जगह ज़्यादा दी गई होती तो मेरे ख्याल से इट वुड बी क्वाइट बेटर, लेकिन उससे फिर इस घर का फ्रंट फेसिंग का या एलिवेशन के डिज़ाइन डिस्टर्ब होता। आई कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट। सो, एक छोटी सी ये चीज़ थी जो मुझे पिंच कर रही थी। बाकी अभी यहाँ से हम चलते हैं अंदर, और अंदर जब हम यहाँ पे आए हैं तो एक दफ़ा फिर मैं आपको विंडोज़ वगैरह क्लोजली दिखा दूँ। और ये है जी इस घर की मेन एंट्रेंस। यहाँ पे एल्युमिनियम विंडोज़ आपकी दी गई हैं टूवर्ड्स द ड्राइंग रूम। लेफ्ट साइड पर आपका एक बेडरूम है जो कि अभी हम देखेंगे, और ब्लैक फुटबॉल पैटर्न के अंदर एक आपको लाइट दी गई है। तो ये है आपका एक अदद बेडरूम जिसके साथ अटैच वॉशरूम है, और यहाँ पे बड़ी खूबसूरत LED लाइट्स दी गई हैं। थ्रू आउट द हाउस आपको ग्रे कलर का पैटर्न या लाइट ग्रे कलर का पैटर्न देखने को मिलेगा। पियानो बटन्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। राउंड शेप के अंदर वी हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल विंडो, और दिस इज़ लुकिंग सो ऑसम। और ये आप छोटे घर में भी कर सकते हैं ये चीज़, जस्ट आपको इसके लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, अपने आर्किटेक्ट से जो है वो बात करनी पड़ती है। और पीछे एग्जॉस्ट के साथ आप देख लें टेम्पर्ड ग्लास हमारे पास मौजूद है। तो अभी यहाँ से हम एंटर होते हैं इस घर की मेन एंट्रेंस से। तो हमारे पास येलो पाइन की वुड का डोर यहाँ पे मौजूद है जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम वुड्स में से शुमार होती है। और एंटर होते ही वी हैव गॉट ओपन किचन जिसको आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये है हमारा कैलन TV लाउंज, या इसको लिविंग एरिया भी आप कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पे अपना काउचेज़ वगैरह रख के फैमिली के साथ यू कैन स्पेंड सम क्वालिटी टाइम।
और इसके साथ साथ एक अदद एलईडी रैक भी हमारे पास मौजूद है। एक्सेसरीज का सामान रखने की जगह भी दी गई है यहाँ पे, और एलईडी लाइट्स यहाँ पे काफ़ी मज़ेदार दी गई हैं, जो कि काफ़ी मॉडरेट लाइट प्रोड्यूस कर रही हैं। एक्चुअली कुछ लोग ऐसे होते हैं सम टाइम के वो एलईडी लाइट्स काफ़ी पेनिट्रेटिंग लगा देते हैं, दैट इज़ हार्मफुल फॉर द आइज़। और वी हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल विंडो जो कि एल्यूमिनियम विंडो है, और स्लाइड करती है ये, जहाँ से आप बाहर का व्यू भी देख सकते हैं। और ये हमारे पास फेयर फेस टाइल्स नज़र आ रही हैं, और इसके साथ साथ मैंने आपको जो एरिया बताया था लोन के लिए, आप जो परचेज़ कर सकते हैं DHA से। तो अभी इस घर के अंदर हम आए हुए हैं, और पहले हमने देखा जो बेडरूम था, फिर इसके साथ साथ आपने ये लिविंग एरिया देखा। राइट साइड पे स्टेयर्स जा रही हैं टुवर्ड्स द सेकंड पोर्शन। किचन में हम आए तो किचन भी काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रहा है, ल्यूमिनस लाइट्स इस्तेमाल हो रही हैं हमारे पास यहाँ पे टाइल्स वाली जगह पे, और काफ़ी आई गेस फर्स्ट टाइम मैंने भी ये चीज़ देखी है। और इसके साथ साथ नीचे आप देखें तो रोप लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं, और ग्लॉसी फिनिश के अंदर यहाँ पे हमारे पास वुडन लेमिनेशन का इस्तेमाल किया गया है। और वी हैव गॉट दिस ब्रांडेड इलेक्ट्रिक हुड। अमूमन लोग घरों में जो है वो देसी वाले इलेक्ट्रिक हुड्स लगा देते हैं। ये है जी आपका वॉश बेसन, इसमें स्लाइडिंग आपके स्पेसेस हैं जिसमें आप अपने बर्तन वगैरह इजीली वॉश कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अभी हम चलते हैं आगे, और ग्राउंड पोर्शन पे जो बेडरूम्स अवेलेबल हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो डोर के एंट्रेंस के बाद ही एक आपके पास छोटी सी ये स्पेस आ जाती है, जो कि ऊपर ग्लास से कवर्ड है, और इसमें रैक लगा हुआ है। दीज आर द ब्यूटिफुल हैंगिंग लैम्प्स, और चारों तरफ इसके जो है वो लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, और लकड़ी भी इस तरह के छोटे छोटे पीस, उसके एक एक पीस अलग से लगाया गया है। दीज आर नॉट टाइल्स, दीज आर नॉट यू कैन से के कोई एक वॉलपेपर भी देखने में इस तरह लग रहा है। कुछ लोग समझ लोगे ये वॉलपेपर है, लेकिन दैट वॉज वर्चुअल वुड। सो अभी हम आ चुके हैं जी ग्राउंड पोर्शन के सेकेंड बेडरूम के अंदर। उसी तर्ज की आपके पास यहाँ पे LED लाइट्स दी गई हैं, ब्रांडेड फैन है, और इसके साथ साथ दिस इज़ द डोर, और वुडन फ्लोरिंग यहाँ पे की गई है। सम टाइम आई वुड से कि यार जो वुडन फ्लोरिंग होती है उस पर पानी पड़ने के बाद कहीं जगहों पे वो स्वेल होना शुरू हो जाती है, तो इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द वेयर एंड टेयर। तो अभी हम आ चुके हैं जी वॉशरूम के अंदर। आपके पास सेपरेट यहाँ पे शॉवर की जगह है, इंग्लिश सीट यहाँ पे दी गई है। मैट फिनिश के अंदर यू हैव गॉट दीज टाइल्स, और ये है जी आपका भाई। भाई जब भी वीडियो में आते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करना है। एंड कोई भी सजेशंस हो आप डाउन बिलो द कमेंट सेक्शन हमें सजेशंस दे सकते हैं। तो अभी यहाँ से हम आते हैं बाहर, एंड वी हैव गॉट दिस कबर्ड जो कि 3-4 डोर कबर्ड हमारे पास मौजूद है। अलग से ड्रॉर्स भी इसमें दिए गए थे, और दिस इज़ योर बेडरूम नंबर 3 ऑफ द ग्राउंड पोर्शन। सिमिलरली आपको वही वाली फ्लोरिंग देखने को मिल रही है, एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडोज़ हैं, और आपके पास ये ब्रांडेड फैन है विद द 4 डोर कबर्ड, और थ्रू आउट द हाउस सेम कलर स्कीम आपको देखने को मिल रही है जो कि लाइट ग्रे कलर के अंदर है। और कुछ हमने यहाँ पे आपके पास वॉजेस पड़े हुए हैं थोड़ी सी खूबसूरती के लिए, और इंग्लिश सीट यहाँ पे दी गई है। अगेन लाइक द प्रीवियस वॉशरूम वी हैव गॉट सेपरेट एरिया फॉर बाथिंग, और जिसमें आपका शॉवर वगैरह अलग से इंस्टॉल्ड है। एंड हमारे पास स्विच भी यहाँ पे दिया गया है। अक्सर ऐसा होता है कि शेविंग मशीन्स होती हैं, ट्रिमिंग मशीन्स होती हैं, उसके लिए लोगों ने वो यहाँ पे स्विच मौजूद नहीं होता, तो दैट इज़ अ गुड थिंग टू हैव। वी हैव गॉट राउंडेड मिरर। तो यहाँ से अभी हम निकलते हैं बाहर, और वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड द फुल ग्राउंड पोर्शन ऑफ दिस हाउस। तो ओवरऑल अगर मैं इस घर की बात करूँ तो सॉलिडिटी वाइज मुझे घर काफ़ी मजबूत लग रहा है। किसी जगह पे मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि कंस्ट्रक्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। अपस्टेयर्स जाते हैं तो वी हैव गॉट येलो पाइन्स स्टेयर केस, जो कि इसके साथ साथ आपको यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास का रेलिंग के अंदर दी गई हैं। तो यहाँ से ऊपर हम जाते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड पोर्शन ऑफ दिस हाउस, और यहाँ पे भी नज़र डाल लेते हैं तो हमारे पास काफ़ी खूबसूरत इल्यूमिनेटेड लाइट्स दी गई हैं जो कि हैंग कर रही हैं आयरन फ्रेम के साथ। और अगर हम इस घर की अगेन प्राइस की बात कर लें, लाइक ऑलवेज जब हम स्टेयर्स पे आते हैं तो घर की प्राइस की बात कर लेते हैं, तो इट इज़
4.60 करोड़, 4,60,00,000 का ये घर आपको कैश में अवेलेबल है एट DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद। और अब जो डिज़ाइनिंग इस घर की गई है, जो आर्किटेक्चर ने इस घर की डिज़ाइनिंग की है, सारे पैसे ही इस घर के डिज़ाइनिंग के हैं। आपके पास बेशक पैसा भी हो, आपके पास एक्सपीरियंस भी हो, लेकिन अगर आपने इस तरह का काम पहले नहीं किया तो ये वाला घर बनाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ओवरऑल प्राइस थोड़ी सी स्लाइटली ऑन द हायर साइड, लेकिन दिस हाउस डिज़र्व्स दिस, क्योंकि जो डिज़ाइनिंग की गई है, जो लेआउट प्लान बनाया गया है, मुझे कोई नेगेटिव पॉइंट इस घर में नहीं लगा, सवाई के कारपोर्च थोड़ा सा छोटा लगा मुझे, लेकिन वो भी ऑनर की मजबूरी थी, क्योंकि अगर वो कारपोर्च को बड़ा करते तो फिर फ्रंट एलिवेशन की डिज़ाइनिंग जो है वो डिस्टर्ब होनी थी। और वी हैव गॉट दीज ब्यूटिफुल विंडोज़, बहुत बहुत ज़्यादा ये अमेजिंग लग रही हैं। और इसके साथ साथ हम आते हैं यहाँ से टूवर्ड्स द अटैच वॉशरूम, वही वाले इंटीरियर इस्तेमाल हुआ जो कि आपके ग्राउंड पोर्शन के अंदर था। और वी हैव गॉट बाउल शेप्ड वॉश बेसिन इन दिस वॉशरूम, और अगेन हमारे पास राउंड शेप्ड मिरर यहाँ पे मौजूद है। तो निकलते हैं यहाँ से बाहर और चलते हैं आगे की तरफ, और ये हमारे पास लिविंग एरिया है सेकेंड पोर्शन का। और यहाँ पे अगेन मैंने आपको बताया था वुडन फ्रेम के अंदर टेम्पर्ड ग्लास मौजूद है, और दिस इज़ द प्लेस फॉर द LED, यहाँ पे आप अपनी LED भी लगा सकते हैं। और ये फ्रेम काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, दैट इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि पीछे घर बना हुआ है, इस वजह से व्यू इतना अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन ये जितना बड़ा साइज़ है इस विंडो का, बहुत ज़्यादा ये कैप्टिवेटिंग लुक प्रोवाइड कर रही है। और इसके साथ साथ यहाँ से अपस्टेयर्स आप जा रहे हैं टूवर्ड्स द रूफ टॉप ऑफ दिस हाउस, और ये मैं आपको अभी क्लोजली दिखाऊंगा। ये वही जगह है जो कि मैंने आपको बताई थी एंट्रेंस में घर के ऊपर ये एरिया बना हुआ है, और हैंगिंग लाइट्स हमारे पास मौजूद हैं, और काफ़ी ज़्यादा अटेंशन टू द डिटेल यहाँ पे दी गई है, जिसकी वजह से ये लुक काफ़ी ऑसम प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि एक एक वुडन पीस जो है वो सेपरेटली कील के साथ यहाँ पर एडजस्ट किया गया है, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला ये काम है। तो अटेंशन टू द डिटेल ऑलवेज लुक्स ब्रिलियंट। और ये है जी आपकी विंडो, जिससे आपका बाहर आपको नज़ारा नज़र आएगा। तो ऊपर वाले सेकेंड वाले पोर्शन में हमारे पास एक सेकेंडरी किचन मौजूद है छोटा सा, जो कि क्योंकि ये घर जो है वो एक फैमिली के लिए, तो ऊपर वाले पोर्शन में आपको सेपरेट किचन नहीं दिया गया। और इसके साथ साथ ये है जी बेडरूम नंबर 2 ऑफ द सेकेंड पोर्शन, जिसमें अगेन वही वाले सीलिंग फैन इस्तेमाल किए गए हैं। आपकी विंडोज़ का काम जो है सिमिलर एल्युमिनियम विंडोज़ हैं, सेम डिज़ाइन के अंदर कबर्ड्स हैं, और आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है फर्दर, क्योंकि यही चीज़ आप ग्राउंड पोर्शन के अंदर पहले से देख चुके हैं। हमारे पास आते हैं तो सेम ग्रे पैटर्न के अंदर, ग्रे कलर के अंदर हमारे पास वॉशरूम की कलर स्कीमिंग है, और जो मिरर है राउंड शेप के अंदर है, और बॉल शेप में हमारे पास इसका वॉश बेसन नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल अगर इस घर के मैं आप लोगों को एक अपनी तरफ से सजेशन दूं कि कुछ लोग मुझसे ये बात भी कहते हैं कि आप वीडियो के आखिर में अपना ओपिनियन दे दिया करें कि वेदर वी हैव टू बाय दैट पर्टिकुलर हाउस और नॉट, कि क्या ये वैल्यू फॉर द मनी प्रोवाइड कर रहा है। तो हाँ, ये वैल्यू फॉर द मनी प्रोवाइड कर रहा है, नंबर वन कि ये DHA में मौजूद है, DHA का एटमोसफेयर, DHA का एम्बियंस जो है वो काफ़ी मैटर करती है। फिर नंबर 2 जो डिज़ाइन है वो इट्सेल्फ काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है, और मेरा नहीं ख्याल कि DHA में पूरे आपको ये डिज़ाइन में घर इस तरह के एग्रेसिव डिज़ाइन में आपको घर देखने को मिलेगा। नंबर 2 ये इस घर की हाईलाइट है, फैसिलिटीज़ यहाँ पे तमाम मौजूद हैं, ऑब्वियसली देर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट दैट। इंटीरियर इस घर का काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि 10 मरला हाउसेस के प्राइसेस से ओवर प्राइस्ड है ये घर, लेकिन जो डिफरेंस ये प्रोवाइड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू सिमिलर 10 मरला हाउसेज जो कि आम तौर पे बिल्कुल सादा से बने होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो अभी हम आ चुके हैं जी रूफ टॉप पे, और हमारे पास मुमटी के अंदर एक छोटा सा कबर्ड केस दिया गया है, ये आपका अलग से जगह बनी हुई है जहाँ पे आपने हैंगिंग लाइट्स नीचे लगाई हुई हैं, और ऊपर आपका टेम्पर्ड ग्लास है जो कि गम से चारों तरफ से जिसको सील किया गया ताकि एक्सटर्नल एटमोसफेयर में से ना तो एयर जाए ना ही उसके अंदर पानी जाए, और बाद में कोई लीकेज वगैरह का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ साथ अलग से यहाँ पे भी आपको वही वाला सिचुएशन देखने को मिल रही है।
सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वी वर एट DHF फेज टू, वी हैड 10 मलर डबल स्टोरी हाउस जिसकी प्राइस 4.60 करोड़ थी और ओवरऑल घर काफ़ी अच्छा था। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ये है जी आपका सर्वेंट क्वार्टर जिसको मैं आपको बस दूर से ही दिखा देता हूँ। एक यहाँ पे रूम दिया गया जो कि अभी तैयार नहीं है और इसके साथ साथ एक अटैच वॉशरूम है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।